वेलकम टू ओनली आईएस। आज इस सीरीज़ में हमारा सातवां सेशन है और आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार, आज इस चैप्टर के हम कुछ मौलिक पक्षों को यानी कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ फंडामेंटल्स को समझेंगे। यू मे थिंक कि फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल्स में क्या आ जाएगा। राइट्स को डिफाइन कर दीजिए और आर्टिकल 14 से स्टार्ट करिए, लेकिन उसके पहले बहुत सारी बेसिक बातें हैं जो आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझ लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। पॉलिटी का कोई चैप्टर मिस होना है तो हो जाए, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कभी भी यूपीएससी स्किप नहीं करती, चाहे वो प्रिलिम्स हो या फिर मेंस हो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर क्वेश्चन आना ही है तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। हम कुछ बेसिक बातें समझेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, पूरे धैर्य के साथ ध्यान से जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको समझने का प्रयास करिएगा, बिकॉज इट विल बिल्ड अ फंडामेंटल। ये आपका कुछ बेसिक तैयार करवा देगा जिसके बाद हमें आगे की हर बात को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। अब फंडामेंटल राइट के चैप्टर्स पर हम जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि व्हाट एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट इज। फंडामेंटल राइट है क्या, मौलिक अधिकार है क्या, ये तो हमें समझना पड़ेगा। इसको समझे बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट को समझने से पहले भी हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर राइट क्या है, अधिकार क्या है। अधिकार, अगर मैं कह दूं कि आप इसे डिफाइन करिए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। यूपीएससी ने यह ट्रेंड पकड़ लिया है आजकल, वो डेफिनेशंस पूछने लगे हैं राइट की, इक्वलिटी की, फ्रीडम की, लिबर्टी की। ना वो सिंपल एक स्टेटमेंट देते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शंस ऐसे होते हैं, कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल सिंपल हैं, राइट के, इक्वलिटी के, फ्रीडम के, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो क्या है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अधिकार क्या है, मैं कई बार कई स्टूडेंट से पूछता हूं कि डिफाइन राइट, तो वो ऐसे डिफाइन करते हैं, राइट्स आर दोज राइट्स, अधिकार वो अधिकार हैं। इट्स रॉन्ग। आप जिस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, जिस वाकिब को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन में आप उसी वाकिब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अधिकार वो अधिकार है, समानता इस प्रकार की समानता है। यू कैन नॉट मेंशन द एग्जैक्ट वर्ड दैट यू आर डिफाइनिंग। आप उसी चीज को, जैसे फंडामेंटल राइट आप डिफाइन कर रहे हैं, यू कैन मेंशन दैट फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स, यू कैन मेंशन। लेकिन राइट्स में आप ये नहीं कह सकते राइट्स आर दोज राइट्स। तो आखिर राइट्स हैं क्या, अधिकार क्या है। सो राइट्स आर द क्लेम्स। अधिकार क्या है, दावे हैं। राइट्स आर द क्लेम्स दैट हैज बीन लेजिटिमाइज्ड बाय द स्टेट एंड द सोसाइटी। अधिकार मनुष्य के वे दावे होते हैं जिन्हें राज्य तथा समाज के द्वारा वैधता प्रदान कर दी जाती है। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट हैज बीन लेजिटिमाइज्ड बाय द स्टेट्स एंड बाय द सोसाइटी। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी नहीं गई है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो आपको एक, देखिए हर चीज़ का एक कीवर्ड होता है, अगर आपने वो कीवर्ड मिस किया तो आप गलत लिखने वाले हैं। जैसे राइट्स क्या है, राइट्स आर दी क्लेम्स। सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप इज द स्टेटस। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस। ये कीवर्ड है। जैसे हम बात कर रहे थे जब सिटीजनशिप के चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप इज द स्टेटस दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और दी कंट्री विच प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल सर्टेन सिविल एंड पोलिटिकल राइट। ये डेफिनेशन हमने बताई थी कि नहीं बताई थी, आप भूल तो नहीं गए, याद रखिएगा। तो सिटीजनशिप में क्या कीवर्ड था, सिटीजनशिप में कीवर्ड था स्टेटस। सिटीजनशिप एक स्टेटस है। तो उसी तरीके से राइट्स क्या है, राइट्स क्लेम्स हैं। अधिकार वे दावे हैं जिन्हें राज्य तथा समाज के द्वारा वैधता प्रदान कर दी जाती है। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है। मैं कई बार, जैसे कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखते हैं, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा सिद्धांत है, नहीं, ग्लोबलाइजेशन सिद्धांत है ही नहीं, सिद्धांत तो ग्लोबलिज्म है। ग्लोबलाइजेशन तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, फंडामेंटल बात बता रहा हूँ। अगर किसी भी वाक्य के अंत में TION लिखा हो तो वो हमेशा प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे मैकेनाइजेशन मशीनीकरण, वो एक प्रक्रिया है। लास्ट में अगर करण लिखा है, या वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, करण लिखा है या TION लिखा है, तो वो एक प्रोसेस है। अगर लास्ट में ISM लिखा है या वाद लिखा है तो वो एक सिद्धांत है। जैसे ग्लोबलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये सब यथार्थवाद, आदर्शवाद, विश्ववाद, ये सारे सिद्धांत हैं। अगर इज्म या वाद लिखा है तो वो सिद्धांत है। अगर TION लिखा है,
करण लिखा है हिंदी में, तो वो एक प्रोसेस है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन सिद्धांत नहीं है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस। राइट्स आर द क्लेम्स, सिटीजनशिप इज द स्टेटस। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है, ये कुछ बहुत ही फंडामेंटल है। तो राइट्स आर द क्लेम्स दैट हैज बीन लेजिटिमाइज्ड बाय द स्टेट एंड द सोसाइटी। अधिकार मनुष्य के वे दावे होते हैं जिन्हें राज्य तथा समाज के द्वारा वैधता प्रदान कर दी जाती है। ये क्लियर हो गया, यहां कोई डाउट नहीं है। देखिए, समाज में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम क्लेम करते हैं, लेकिन हमारे महज क्लेम करने से वो चीज हमारा अधिकार नहीं बन जाता। जब तक उसे राज्य और समाज वैधता ना दे दे, तब तक वो अधिकार नहीं बनता। देखिए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को हम कितने लंबे समय से क्लेम कर रहे थे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। पुट्टू स्वामी केस के पहले तक राइट टू प्राइवेसी वॉज नॉट द फंडामेंटल राइट, जबकि वो हमारा एक क्लेम था। फंडामेंटल राइट के तौर पे हमें निजता का अधिकार मिले, राइट टू प्राइवेसी मिले, ये हम बहुत लंबे समय से क्लेम कर रहे थे, बट इट वॉज नॉट आर राइट बिकॉज स्टेट ने इसे लेजिटिमाइज नहीं किया था। उसके बाद स्टेट ने इसको लेजिटिमाइज किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी केस में इसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। राइट टू इंटरनेट एक्सेस, इसे भी हम एक फंडामेंटल राइट के तौर पे क्लेम कर रहे हैं, अभी हाल ही में केरला की सरकार ने राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट को आर्टिकल 21 ए के तहत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। आर्टिकल 21 ए इसलिए बिकॉज देखिए, आप लोग इंटरनेट का सहारा लेकर ही इस लेक्चर को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो क्या आप ये पढ़ पाएंगे? मतलब आपके राइट टू एजुकेशन को हिंडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलेगी तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए इसे आर्टिकल 21 ए के तहत भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया कि ये लोगों की एजुकेशन को हिंडर कर सकता है। तो राइट्स आर द क्लेम्स, वो क्लेम्स कैसे हैं ये क्लियर हो गया, और आपके सारे क्लेम्स आपके राइट नहीं होते ये क्लियर हुआ। आपके वही क्लेम्स आपके अधिकार होते हैं जो राज्य और समाज वैधता दे दे। अब अधिकार क्या होते हैं ये तो आपने समझ लिया, अब आइए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स दैट आर फंडामेंटल इन द नेचर। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मौलिक होते हैं। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मुद्दा यह है कि फंडामेंटल का मतलब क्या है। फंडामेंटल का मतलब यह होता है बहुत ही आधारभूत। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बहुत ही बेसिक बात, कुछ ऐसा जिसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स वो आधारभूत अधिकार होते हैं, वो बेसिक राइट्स होते हैं जिनकी अब्सेंस में आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनके अभाव में आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, आप वो चीजें अटेन नहीं कर पाएंगे जिसके आप अधिकारी भी हैं, जिसके लिए आप सक्षम भी हैं। यू कैन नॉट अटेन दोज थिंग्स फॉर व्हाट यू आर एलिजिबल एंड यू आर पोटेंट इनफ टू अटेन दोज थिंग्स। आप एलिजिबल भी हैं और उसे अटेन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अधिकार आपको नहीं मिले तो आप उन्हें नहीं अटेन कर पाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द बेसिक वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल और देयर सेल्फ डेवलपमेंट। ये समझ में आ गया, डिफाइन कर लेंगे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स वो कुछ आधारभूत अधिकार हैं जिनके अभाव में एक व्यक्ति अपना मूलभूत विकास नहीं कर पाता, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता, अपने सेल्फ को अटेन नहीं कर पाता। इसी तरीके से आपको फंडामेंटल राइट को डिफाइन कर देना है। फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए। यूजुअली फंडामेंटल राइट्स सरकार के विरुद्ध दिए जाते हैं, क्योंकि एक सामान्य अवधारणा यह है कि जो सरकार है वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, अपने अधिकारों का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए, अपने शक्तियों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। यूजुअली सरकार लोगों के अधिकारों पर इन्फ्रिंजमेंट करने की कोशिश करती है, उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करती है। दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स आर सीम्स या फंडामेंटल राइट्स हैं लिमिटेशंस अपॉन द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या हैं? लिमिटेशंस हैं। अगर आपके सामने ये स्टेटमेंट आए कि फंडामेंटल राइट्स आर द लिमिटेशंस अगेंस्ट स्टेट, तो ये सही जवाब है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए दैट इट इज निगेटिव ऑब्लिगेशन ओवर स्टेट, सही जवाब है। ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। डीपीएसपी को पॉजिटिव माना जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जबकि फंडामेंटल राइट को नेगेटिव माना जाता है टुवर्ड स्टेट। तो स्टेट के ऊपर ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन होता है, स्टेट की पावर्स के ऊपर ये लिमिटेशन होता है। समझिए, फंडामेंटल समझिए। फंडामेंटल राइट
स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर लिमिटेशन होती है, वो मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, ये निगेटिव ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, उन्हें ये फंडामेंटल राइट्स देने ही होंगे आपको, इसका कोई विकल्प नहीं है। यहां पर देखिए बताया गया है, डेफिनेशन वही बताई गई है कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज ये बहुत ही इशेंशियल हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि कोई भी इंडिविजुअल अपना इंटेलेक्चुअल, मोरल या फिर स्पिरिचुअल स्टेटस अटेन कर पाए, आप अपना बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिले। अगर ये नहीं मिले तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई दीज आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, फंडामेंटल राइट्स आर इनएलिनिएबल राइट्स। इनएलिनिएबल क्यों? क्योंकि सामान्य स्थिति में सरकार आपसे इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। सामान्य स्थिति, नॉर्मल टाइम्स इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड, नॉर्मल टाइम्स, जौहरी की नजर हीरे पे, ध्यान दीजिएगा नॉर्मल टाइम्स, क्योंकि विशेष स्थितियों में आपके अधिकार छीने जा सकते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21, इमरजेंसी की कंडीशन में आपके सारे अधिकार छीने जा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिया में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से डिराइव किया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, और जो बिल ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वही हमारे फंडामेंटल राइट का आधार है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 10 अमेंडमेंट को बिल ऑफ राइट कहा जाता है, जिसके तहत वहां के लोगों को अधिकार दिए गए थे। जो फंडामेंटल राइट है इसमें कुछ इंडिविजुअल राइट भी होते हैं, कुछ ग्रुप राइट्स भी होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 के तहत राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी दी गई है, यह हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। कुछ राइट्स ग्रुप में दिए जाते हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये कुछ ग्रुप राइट्स हैं, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात 1931 के कराची सेशन में बहुत ही विस्तार से की गई थी, जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने इस सेशन में फंडामेंटल राइट्स का एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया था। तो इसका बैकग्राउंड आप 1931 से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हम समझ रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो हम ये बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें किसके अगेंस्ट मिलते हैं, स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी मिलते हैं। वो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मिलते हैं? आर्टिकल 15 क्लॉज 2, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वेरियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। इसके इतर राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ये आपको प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ अधिकार मिलता है, कोई भी व्यक्ति अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ राज्य कार्रवाई करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, केवल गवर्नमेंट कंपनीज ही अगर किसी बच्चे को हजार्डस वर्क में लगाते हैं या बॉन्डेज लेबर करवाते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि अगर कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन, कोई इंडिविजुअल कॉरपोरेशन भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान होगा। आर्टिकल 23, 24, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी, प्राइवेट कॉरपोरेशंस भी वायलेट करते हैं तो फंडामेंटल राइट का हनन माना जाएगा। तो कुछ एक ऐसे अधिकार हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी एप्लीकेबल हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स यूजुअली गवर्नमेंट के खिलाफ एप्लीकेबल होते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 एंड 24। अभी हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आर्टिकल क्या डिपिक्ट करता है, क्या बताता है। अभी आप कुछ बेसिक बातें समझिए केवल, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए ऑब्जेक्टिव तो यही था कि भारत में गवर्नमेंट ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया जाए, नॉट ऑफ द मैन। कोई एक व्यक्ति अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगा, कानून नहीं चलाएगा, बल्कि एक लॉ होगा जो यहाँ पर यह डिसाइड करेगा कि किसे कौन से अधिकार दिए जाएंगे और कौन सा काम कैसे होगा। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया। कई बार जब आप आंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं फंडामेंटल राइट पे, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं, अगर वहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव इशू बना हुआ है या फंडामेंटल राइट को ऐसे तोड़ा जा रहा है जहां पर कोई एक व्यक्ति है जो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, देन यू कैन से कि फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का तो ऑब्जेक्टिव ही यही था कि यहां पे गवर्नमेंट ऑफ लॉ स्टैब्लिश की जाएगी, नॉट ऑफ अ मैन। लेकिन यहां पर तो एक व्यक्ति अपने अधिकारों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहा है, तो जब ऐसा कोई इशू आता है तो यू कैन मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स इंट्रोडक्शन, इट कैन बेनिफिट यू, या कंक्लूजन में भी आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी चीज आपके कहां काम आ जाएगी, तो ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट का आप यहां इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक बातें जान लीजिए या इसका नेचर समझ लीजिए। पहली बात तो फंडामेंटल राइट इनफोर्सेबल हैं और जस्टिफिएबल हैं। इनफोर्सेबल का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास ये जिम्मेदारी है, ये ऑब्लिगेशन है
कि उन्हें इस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना ही होगा। अगर उसके लिए उन्हें उससे अलग कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो बनाएंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जाएगा। जस्टिफिएबल का मतलब ये है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आपके पास सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का अधिकार है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाए तो। दैट्स वाई ये जस्टिफिएबल है, मतलब आप इस पर न्याय की मांग कर सकते हैं। तो इन्फोर्सिबल और जस्टिफिएबल का मतलब आपने समझ लिया। जब हम बात कर रहे थे प्रीएम्बल की, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि प्रीएम्बल जस्टिफिएबल नहीं है। अगर प्रीएम्बल में लिखी गई बातों को फॉलो ना किया जाए, यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट में लिखी गई बातों को फॉलो ना किया जाए तो आप सीधे सीधे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि फंडामेंटल राइट निगेटिव ऑब्लिगेशन होता है स्टेट के टूवर्ड्स, स्टेट के ऊपर ही निगेटिव ऑब्लिगेशन है, और कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भी अगर चाहे कि अपने अधिकारों को छोड़ दे तो वो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। जैसे एक डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर होता है, जिसमें कोई एक व्यक्ति सोचता क्या है कि सरकार उसके अधिकारों का हनन करना चाहती है तो वो सरकार के हित में अपने अधिकार छोड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर में ये साफ किया है कि एक इंडिविजुअल के पास ये अधिकार नहीं कि वो अपने अधिकारों को राज्य की तरफ छोड़ दे, मतलब सर वो ये अलाउ कर दे स्टेट को कि आप मेरे अधिकारों का हनन कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो अधिकार हैं वो स्टेट के ऊपर निगेटिव ऑब्लिगेशन है। ये ऑब्लिगेशन है, कोई उनकी ड्यूटी नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। दैट्स वाई किसी इंडिविजुअल के पास ये अधिकार नहीं कि वो राज्य से उनके ऑब्लिगेशंस को हटने को बोल दे, उसको छोड़ने को बोल दे। तो स्टेट के ऊपर फंडामेंटल राइट निगेटिव ऑब्लिगेशन है। इवन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के तहत एक इंडिविजुअल भी इन ऑब्लिगेशन से स्टेट को मुक्त नहीं कर सकता। जैसे एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप आइए और हमारी जान ले लीजिए, हम आपको मुक्त करते हैं, हमारी फंडामेंटल राइट का हनन हम इसे नहीं मानेंगे। एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि फांसी की सजा कैसे दी जाती है, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है, वो एक एक्सेप्शन है, जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, बल्कि इन पर कई तरीके के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने का बैकग्राउंड क्या है हम उसे भी समझेंगे। तो तीसरी बात, रीजनेबल जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है बल्कि रिस्ट्रिक्टेड राइट है। एब्सोल्यूट राइट होने ना होने का मतलब ये है, एब्सोल्यूट राइट होने का मतलब ये होता है कि जो अधिकार आपको दे दिया गया वो दे दिया गया, उस पर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसा नहीं है। देखिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 की बात करते हैं, जो आर्टिकल 19 है वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। आपके पास कुछ भी बोलने, कुछ भी कहने का अधिकार है, कहीं भी मूवमेंट का अधिकार है, कोई भी ऑक्यूपेशन लेने का अधिकार है। लेकिन अगर ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट होता तो कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाता, आप नेशनल पार्क के किसी भी एरिया में घूम सकते थे, या आप कुछ भी बोल सकते थे, किसी को डीफेम भी कर सकते थे। लेकिन क्या ऐसा अलाउ है? क्या नहीं है? आप हर जगह नहीं जा सकते, कुछ ऑक्यूपेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज की आवश्यकता होती है, उसके बिना आप वो ऑक्यूपेशन नहीं ले सकते, ठीक है। आपके पास कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार है, लेकिन आप बिना डिग्री के हॉस्पिटल खोल के थोड़ी बैठ जाएंगे, ठीक है। आपके पास कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन आप नेशनल पार्क के कोर एरिया में जाके वहाँ के एनवायरमेंट को थोड़ी डिग्रेड करेंगे, आप प्रोटेक्टेड एरिया में थोड़ी चले जाएंगे। आपके पास अधिकार है कुछ भी बोलने का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोगों को डिफेम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट ये होते अगर कोई एक्सेप्शन ना होता। एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है? कोई एक्सेप्शन ना हो। जो अधिकार दे दिया गया वो दे दिया गया, उसे पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं है बल्कि ये रिस्ट्रिक्टेड राइट हैं। इन पर कुछ तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। हालांकि कुछ एक अधिकार ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट हैं, जहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता, और वो अधिकार क्या हैं हम वो जानने का प्रयास करेंगे। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है बल्कि वो रिस्ट्रिक्टेड राइट हैं। हम इस पे बात कर रहे थे, लेकिन कुछ एक ऐसे अधिकार हैं जो बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं, जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता। ये अधिकार आपको मिल गए, मतलब मिल गए। एब्सोल्यूट राइट का मतलब आपने समझ लिया ना, पूर्ण तरीके से आपको अधिकार मिल चुके हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं है कि आप इस स्थिति में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे पहले बोला गया है। आप 19 में आर्टिकल 19 में बोला गया कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, लेकिन सर्टेन ऐसे ऑक्यूपेशन जिसमें प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड है आप नहीं ले सकते, एक एक्सेप्शन दे दिया गया, तो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। राइट अगेंस्ट, जैसे आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत अगर आवश्यकता पड़ी तो आपके ये अधिकार छीने जा सकते हैं। इसी के आधार पर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा भी दी जाती है। राइट टू लाइफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत ऐसा किया जा सकता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो विस्तार से समझेंगे, ठीक है।
लेकिन आर्टिकल 17 में ऐसा कुछ नहीं है। अनटचेबिलिटी के खिलाफ राइट मिला है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, मतलब नहीं की जा सकती, नो एक्सेप्शन। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, मतलब दी जाएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 24, किसी भी बच्चे को 14 साल से कम उम्र का अगर वो है तो हजार्डस वर्क में नहीं लगाया जा सकता, मतलब नहीं लगाया जा सकता, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 24 के इस क्लॉज में। अब आपको लगेगा जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं टीवी टेलीविज़न में, तो उनको तो एम्प्लॉयमेंट पे लगा दिया जाता है, हजार्डस वर्क में बात की जा रही है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हजार्डस वर्क में नहीं लगाया जाएगा। बाकी वो जो छोटे बहुत काम, छोटे मोटे काम जो उनको करने के लिए अलाउ किया जाता है कि वो टीवी सिनेमाज में, टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं, अपने घरों में माता पिता का हाथ बटा सकते हैं, स्कूल टाइम्स के तर, स्कूल टाइम में ये काम नहीं कर सकते, स्कूल टाइम के आगे पीछे वो ये काम कर सकते हैं, तो ये हजार्डस वर्क तो नहीं है। अगर कोई दुकान है परिवार में, बच्चा वहाँ पे जाके मदद कर रहा है, तो ये कोई हजार्डस वर्क तो नहीं है। किसी कंपनी में आप जहाँ पर कुछ केमिकल्स बन रहे हो, वहाँ पर आप 14 साल से कम उम्र के बच्चे को लगा दो, ये फंडामेंटल राइट का हनन माना जाएगा, और ये एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को हजार्डस वर्क में नहीं लगा सकते, मतलब नहीं लगा सकते, ठीक है। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आप अपनी अंतरात्मा से किस ईश्वर की आराधना करेंगे ये आप डिसाइड करेंगे, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये आपका एब्सोल्यूट राइट है। वैसे कोई क्या ही रिस्ट्रिक्शन लगा लेगा, हम अपने मन में जो भी मानते हो, ठीक है, बट फिर भी ये चार ऐसे अधिकार हैं जो एब्सोल्यूट हैं। समटाइम्स यूपीएससी आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट राइट, तो आपको पता होना चाहिए ये चार एब्सोल्यूट राइट्स हैं, और ये टेस्ट सीरीज वाले तो खूब ही परेशान करते हैं ऐसे क्वेश्चंस देखे, तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं, उन्हें हैंडल करना सीखना है, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स में एब्सोल्यूट राइट के बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट नहीं होते, ये जनरल सी बात है, ये सामान्य बात है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होते। कुछ एक राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, जिन पे हमने चर्चा कर ली, सामान्यतया एब्सोल्यूट राइट नहीं होते, इसीलिए हम सामान्यतया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या जनरली आप भी इस शब्द का इस्तेमाल करिएगा कि जनरली फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं होते, या सामान्यतया जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में दिए जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी दिए जाते हैं ना। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कुछ तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है फंडामेंटल राइट के ऊपर, और पार्लियामेंट को भी अधिकार देता है कि वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन सी स्थितियां हैं जिनमें फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए जा सकते हैं। समझिए, ऐसे नहीं कि सरकार को जब मर्जी आई तब उन्होंने आपके फंडामेंटल राइट रोक लिए। अगर स्टेट की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को बचाना हो तो आपके फंडामेंटल राइट रोके जा सकते हैं। अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और डिसेंसी को मेंटेन करना हो तो आपके फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं। अगर वीकर सेक्शन की वेलबींग को इंश्योर करना हो, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रेन, SC ST एंड OBC, तो आपके फंडामेंटल राइट इंफ्रेंज किए जा सकते हैं। क्यों? जब रिजर्वेशन दिया जाता है अंडर आर्टिकल 15, और एम्प्लॉयमेंट में जब रिजर्वेशन दिया जाता है अंडर आर्टिकल 16, तो राइट इक्वलिटी हिंडर हो रही है कि नहीं हो रही है? हो तो रही है, लेकिन वीकर सेक्शन के हित में अगर कोई काम किया जा रहा है तो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन किया जा सकता है। अगर किसी अन्य देश के साथ फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करना है, फॉर दैट अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन, उसका हनन हो रहा है, तो किया जा सकता है। तो चार पॉइंट्स याद रखिएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता आपके फंडामेंटल राइट पे। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये चार पॉइंट बता दीजिएगा कि अगर सॉवरेंटी और सिक्योरिटी इंडिया की हिंडर हो, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, डिसेंसी हिंडर हो, अगर वेलबींग इंश्योर करना हो वीकर सेक्शन का, वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST OBC, या फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करना हो, तो फंडामेंटल राइट का हनन किया जा सकता है राज्य के द्वारा, एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की श्रेणी में रखा जाएगा। अब आइए बात करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि फंडामेंटल राइट कौन से एब्सोल्यूट राइट है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ और बातें, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा कि ये मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ऑरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन आज 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, उसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत डिलीट कर दिया गया। डिलीट क्यों किया गया? क्योंकि सरकार को कंस्ट्रक्शन करना होता था, रोड बनानी होती थी, या लैंड रिफॉर्म करने पड़ते थे। लैंड रिफॉर्म में ये कहा गया था कि जिसके पास ज़्यादा लैंड है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा लैंडलेस लोगों के पास। ऐसी स्थिति में लोगों ने कहा हमारे आर्टिकल 31 का हनन हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 31 को एक लीगल राइट बना दिया गया, और इसे फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आज आपके पास कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है।
ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, थ्री जनरेशन ऑफ राइट हैं, राइट के तीन जनरेशन माने गए हैं। फर्स्ट जनरेशन राइट कहा जाता है सिविल और पोलिटिकल राइट्स को, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को थ्री जनरेशन फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट बोला जाता है, जिसमें आपको राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड स्पीच ही अधिकार दिए जाते हैं। सेकंड जनरेशन की राइट कहा जाता है सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को, जिसमें लाइवलीहुड, फूड, शेल्टर, इसका अधिकार आपको दिया जाता है। थर्ड जनरेशन की राइट जो है उनको कलेक्टिव राइट कहा जाता है, जैसे कंज्यूमर राइट, माइनॉरिटी राइट, ये थर्ड जनरेशन की राइट हो जाते हैं। अभी जो क्लासिफिकेशन है ना तीनों जनरेशन की राइट का, ये कब कब है, मतलब सिविल और पॉलिटिकल राइट, ये जो फर्स्ट जनरेशन के राइट थे इनकी शुरुआत कब हुई, सेकंड जनरेशन के राइट्स की शुरुआत कब हुई और थर्ड जनरेशन के राइट्स की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, नवंबर 1977 में कारेल वॉसेक, जो कि यूनेस्को के लीगल एडवाइज़र थे, उन्होंने यूनेस्को को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने इन तीनों जनरेशन को क्लासीफाई किया था। जब उन्होंने इनिशियली ये क्लासीफिकेशन किया था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के राइट का, तो उन्होंने 1945 के बाद का टाइम लिया था। उन्होंने कहा 1945 के बाद का जो 30 साल का समय था, दैट वॉज द राइट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। उस समय लोगों को सिविल और पॉलिटिकल राइट दिए गए, जहां लोगों को राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड स्पीच वगैरह दिया गया। सेकंड जनरेशन राइट में वो बोलते हैं कि फिर 1975 के आसपास सेकंड जनरेशन के राइट स्टार्ट होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक राइट लोगों को दिए जाने शुरू किए जाते हैं, राइट टू लाइवलीहुड, फूड, शेल्टर, इस पर लोग फोकस करने लगते हैं। देन वो कहते हैं कि थर्ड जनरेशन के जो राइट्स थे, जो कलेक्टिव राइट का आइडिया था, वो वर्तमान में अब चल रहा है। और उनके इस लेटर के पब्लिश होने के बाद कारेल वॉसेक का ये जो क्लासिफिकेशन था ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसमें एकेडमिशियंस के बीच में काफ़ी डिबेट शुरू हो गई कि ये तो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है जो वॉसेक जी ने अपने पेपर में बताया है। लेकिन जब वो घर पे गए तो उनको किसी ने समझाया कि आपने सारा क्लासिफिकेशन 1945 के बाद कर दिया, आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन नहीं याद है क्या? फ्रेंच रिवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करी गई थी, वो कौन से क्लासिफिकेशन में आता है? उनको लगा ये तो गड़बड़ हो गया। तो 3 साल बाद उन्होंने अपने टाइम फ्रेम को रिवाइज किया और उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बैकग्राउंड में पकड़ा। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के राइट को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से एक्सेप्ट किया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जो राइट थे वो उन्होंने वहां से फिर स्टार्ट किया। बोले फर्स्ट जनरेशन के राइट यहां पर हैं, उसके बाद जब कम्युनिज्म इवॉल्व होता है, कार्ल मार्क्स आते हैं, उसके बाद उन्होंने सोशल इकोनॉमिक राइट की बात स्टार्ट की और उसके बाद प्रेजेंट एरा में उन्होंने कलेक्टिव राइट के बारे में बात करी। क्लियर कट क्लासिफिकेशन उन्होंने भी नहीं दिया है, मतलब जिन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया उन्होंने भी इसका क्लियर कट डेट नहीं बताया कि इस साल तक फर्स्ट जनरेशन के राइट हैं, इस साल तक सेकंड के, इस साल तक थर्ड के, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं है। फिर भी शुरू में उन्होंने बोला 1945 के बाद ये क्लासिफिकेशन किया था, देन उनको किसी ने याद दिलाया होगा, तो 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, उन्होंने अपनी इस क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया और रिवाइज करने के बाद इसे उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन से उठाया। वास्तविकता तो ये है कि मैं अभी भी उनके इस क्लासिफिकेशन से सहमत नहीं हूं, हालांकि मुझे जो मिला वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिला। अगर मैं आपको बताऊं यहां पर हम लॉक को कैसे भूल गए, जिसे 17वीं शताब्दी के बीच में ही लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दे दिया था। मतलब वास्तव में तो फर्स्ट जनरेशन के राइट की शुरुआत वहां से मानी जानी चाहिए जब लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद की शुरुआत होती है। खैर, अभी जो क्लासिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसे वॉसेक ने दिया था वो तो यही है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ इसी शुरुआत करते हैं। वास्तविकता में क्लासिफिकेशन लॉक के साथ होना चाहिए, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का जो उनका कॉन्सेप्ट था 17वीं शताब्दी के बीच का, वहां से क्लासिफिकेशन शुरू होना चाहिए कायदे से। ठीक है, यही होना चाहिए। बट ठीक है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो दिया है, डेट हमारे लिए जरूरी है नहीं एक्चुअली में। आप डेट लिखने के चक्कर में पढ़ना भी मत, मैंने आपको बताया डेट कितनी विवादित है। शुरू में खुद ही वॉसेक ने इसे 1945 के बाद क्लासिफाई किया, 3 साल बाद उन्होंने इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्लासिफाई किया, वास्तव में वो क्लासिफिकेशन भी सही नहीं है। क्लासिफिकेशन तो लॉक के साथ शुरू होना चाहिए था। ठीक है, तो आप डेट के चक्कर में मत पड़िएगा, आप केवल सिंपली ऐसे बताइएगा जब भी आपको क्लासिफाई करना होगा। जीएस में वैसे भी बहुत ज्यादा स्कोप होता नहीं है क्लासिफिकेशन वगैरह करने का, बट आप सिंपली जैसे 3 लाइन में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है, वैसे ही आप अगर आपको आंसर में क्लासिफिकेशन लिखना हो तो लिख देना, इससे ज्यादा के चक्कर में आप भी मत पड़ना। आप अपनी जानकारी के लिए जानते रहो कि हां ये सब बवाल है इसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे चला है क्लासिफिकेशन, गड़बड़ी हुई थी, रिवाइज हुआ है और अभी भी सही नहीं है। आप जानते रहो, अपने लिए जानते रहो, ठीक है। अब चलिए, हम बात कर रहे थे कि वर्तमान में 7 फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशनल राइट 29-30, राइट टू प्रॉपर्टी 31 पहले हुआ करता था, अब इसे 44th अमेंडमेंट के बाद डिलीट कर दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, तो पहले 7 राइट हुआ करते थे, ये वाला डिलीट हो गया, अब कितने बचे, 6 बच गए। वही बात यहाँ पे बताई गई है, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया, आर्टिकल 300A ऐड किया गया, पार्ट
12 में, 12 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 है, 12 है, उसके तहत इसे एक लीगल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। फंडामेंटल राइट की संख्या आज 6 हो चुकी है और जो स्टेट है वो इन राइट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा इमरजेंसी के सिचुएशन में, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 क्या है, हम इस पर बात करेंगे। नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाता है, लेकिन केवल तब जब वो नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर लगाई गई हो। अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया गया है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद एक सेपरेट डिक्लेरेशन करके आर्टिकल 359 के तहत अगर प्रेसिडेंट एक सेपरेट डिक्लेरेशन करके बाकी के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि वो डिक्लेरेशन भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हमने समझ ली। अब देखिए, अब बात करते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। इसे कहानी की तरह समझिएगा, ये एक लड़ाई है, ये क्रिकेट मैच था, मतलब एक तरीके का क्रिकेट मैच था। किसके किसके बीच में? हमारी सुप्रीम कोर्ट के बीच में और हमारी सरकार के बीच में। तो क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, दैट वॉज द इशू, दैट इज द इशू। और इस इशू को आप एक स्टोरी की तरह हैंडल करिएगा, ये केसेस के चक्कर में पढ़ेंगे, केस केस वाइज पढ़ेंगे तो बोल जाएंगे। देखिए कहानी कैसे शुरू होती है, बात करी गई थी कि जब हमारा देश आजाद होगा तो जो सामंतों के पास खूब सारी जमीन है वो हम ले लेंगे और जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस हैं, उनको ये जमीन हम बांट देंगे। बड़ा अच्छा प्लान बनाया गया था, प्लान तो बड़ा अच्छा बना, लेकिन जब फंडामेंटल राइट तैयार किया जाने लगा तो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया। अब जब लैंड रिफॉर्म शुरू किए गए और सामंतों की जमीन छीन छीन के जो लोकल लेवल पे किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा, तो उन लैंडलॉर्ड्स ने जाके सीधा केस कर दिया। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 31 के तहत हमारे ये फंडामेंटल राइट का हनन है। अब समस्या आ गई, सरकार करे क्या? इसके इतर बाबा साहब का पक्ष ये था कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएं, जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं, जिसकी वजह से वो तबका काफ़ी डिप्रेस्ड है, दबा हुआ है, उसे उभारने के लिए प्रयास किए जाएं। अब इन समस्याओं का समाधान किया कैसे जाए, ये सरकार के सामने समस्या आ गई। तो सरकार ने 1951 में, नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास किया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में सबसे पहले तो जो हमारा आर्टिकल 14 है उसमें क्लॉज 4 ऐड किया गया। क्लॉज 4 था उसमें ये बोला गया कि सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, उन्हें कुछ फंडामेंटल राइट्स, मतलब उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल 14 क्लॉज 4 जोड़ा गया उसका रिजल्ट ये निकला कि रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया में आ गया। हर जगह पे जो कुछ सीट्स थी वो रिजर्व कर दी गई एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए। इसके साथ ही साथ 9th शेड्यूल ऐड किया गया। 9th शेड्यूल में ये बोला गया कि अगर आर्टिकल 31 का हनन करते हुए लैंड रिफॉर्म किया जा रहा है तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकेगा और ऐसे कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9th शेड्यूल में रख दिया जाएगा। ये बोला गया अगर कोई कानून सरकार ने 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची में रख दिया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगी। यही सारी बातें फर्स्ट अमेंडमेंट में करी गई, लेकिन जब फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए रिजर्वेशन सिस्टम ऑप्ट किया गया तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। लोगों ने बोला कि ये तो राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 14 तो ये बोलता है कि कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे, यहाँ समानता कहाँ रहेगी, यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब जब ये मुद्दा चला कि क्या सरकार के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड करके डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मतलब उन्होंने आर्टिकल 14 क्लॉज 4 को अमेंड कर दिया, 14 को अमेंड करके क्लॉज 4 ऐड किया जिसके तहत रिजर्वेशन सिस्टम आ गया, तो क्या सरकार के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद अराइज हुआ। तो केस गया सुप्रीम कोर्ट में, केस का नाम था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। सवाल ये था कि क्या सरकार के पास ये अधिकार है कि सरकार फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, द आंसर वॉज यस, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाई द गवर्नमेंट। ये जवाब निकल के आया शंकरी प्रसाद केस में 1951 में। एक सिमिलर केस इसी क्वेश्चन को रेस करते हुए 1965 में अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास गया। केस का नाम था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1965। फिर से क्वेश्चन रेस किया गया
कि क्या सरकार के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया यस, हाँ सरकार के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। 2 साल बाद एक और केस गया सुप्रीम कोर्ट में, सवाल वही था कि क्या सरकार फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। केस का नाम था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मन बदल लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमने जो पहले कहा था वो शायद ठीक नहीं था, सरकार के पास आज से ये अधिकार नहीं होगा कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकें। एंड दैट वॉज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस ऑफ 1967 वॉज द लैंडमार्क जजमेंट वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। राज्य के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकें। नाउ सरकार को क्या ये बात पसंद आएगी क्या? स्पेसिफिकली तब जब सरकार इंदिरा गांधी जी की आ चुकी हो। इस केस के बाद, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के बाद एक विवाद छिड़ गया सरकार के बीच में और जुडिशरी के बीच में। इंदिरा जी की सरकार थी, इंदिरा जी अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहती थी और वो इस बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले शंकरी प्रसाद केस में, सज्जन सिंह केस में ऑलरेडी इस बात को अपहेल्ड किया दैट गवर्नमेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, तो आज इसमें बदलाव क्यों? आखिर अब ऐसे कौन सी चेंजेस आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे बदलाव की बात कर रही है? ये केसेस याद रखिएगा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट अमेंड किया जा सकता है, सज्जन सिंह केस में भी यही बोला, गोलकनाथ केस 1967 में उन्होंने बोला फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं होगा। इंदिरा जी को बात बुरी लगी, इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बाउंसर मारा। एंड व्हाट वाज दैट बाउंसर? द बाउंसर वाज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इंदिरा जी का ये बाउंसर था जुडिशरी के लिए। उन्होंने 24वां संविधान संशोधन पास कर दिया और इस 24वीं संविधान संशोधन में इंदिरा जी ने आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 को ऐड किया। उन्होंने कहा कि संविधान में किया गया संशोधन आर्टिकल 13 के तहत लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि जब गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फंडामेंटल राइट को अमेंड करने से रोका तो उन्होंने आर्टिकल 13 का हवाला दिया। व्हाट इज दिस आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को हनन करने की कोशिश करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकती है। दैट इज द सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 13 के तहत फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट या उसमें कोई बदलाव या कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट को चेंज करता है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। कोई भी ऐसा कानून, उसमें शब्द क्या लिखा गया आर्टिकल 13 में? लॉ। कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। तो इंदिरा जी ने जो बाउंसर मारा दैट वॉज कि आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। मतलब आपने कहा कि ठीक है कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को अमेंड या इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता है तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन अगर वो लॉ हो ही ना तो, अगर वो लॉ नहीं है तो वो चेंज कर सकता है। तो उन्होंने आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया, बोला फंडामेंटल राइट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा, जो संवैधानिक संशोधन किया जाएगा, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज लॉ, वो लॉ नहीं होगा। और चूंकि वो लॉ नहीं होगा इसलिए वो फंडामेंटल राइट के हनन के तहत जुडिशियल रिव्यू के प्रीव्यू में भी नहीं आएगा, एम्बिट में भी नहीं आएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 368 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया। सबसे पहले तो इसका टाइटल ही बदल दिया गया। यहां पर देखिए आर्टिकल 368 का आज आप टाइटल पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। पहले यहां लिखा था पावर ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिखा था, इसकी जगह पे लिखा था प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, ये लिखा हुआ था पहले। लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस प्रोसेस शब्द को हटाकर इंदिरा जी ने पावर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि ये शक्ति है पार्लियामेंट की कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब यहां पे पहला जो क्लॉज है वो तो सिंपल है, वो तो जो लिखा हुआ था वही है। दूसरे क्लॉज में सबसे पहले तो एक चीज ऐड करी गई, इसमें ये बोला गया प्रेसिडेंट के साथ सेल लगा दिया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है तो प्रेसिडेंट
अपना अप्रूवल देने के लिए बाउंड होगा। प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट, मतलब प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही होगी। तो सबसे पहले तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो वो साइन करेंगे ही करेंगे। इसके बाद उन्होंने आर्टिकल 13 के बारे में भी एक बात आर्टिकल 368 में लिख दी। उन्होंने बोला नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। उन्होंने बोला कि अगर आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया जा रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत जो नियम कानून बनाए गए हैं वो इस पे लागू नहीं होंगे। और इस तरीके से सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया। एंड दैट वॉज बाउंसर फॉर जुडिशरी। जुडिशरी अब क्या करे। 1971 में सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके फ्री हैंड ले लिया कि वो फंडामेंटल राइट तो अमेंड करेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। अब आपको क्या लगता है, व्हाट शुड जुडिशरी डू? यहां पर हमारे जुडिशरी को क्या करना चाहिए? इज देयर नीड फॉर अ यार्कर? क्या अभी एक यार्कर की जरूरत है जिससे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार को सीधा क्लीन बोल्ड कर दे? सुप्रीम कोर्ट ने यार्कर नहीं मारा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रिटायर्ड हर्ट कर दिया। हाउ? कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रिटायर्ड हर्ट किया? दैट वॉज वेरी फेमस केशवानंद भारती केस ऑफ 1973। केशवानंद भारती केस 1973 का जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप कहती हैं कि फंडामेंटल राइट को अगर अमेंड किया जाता है इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज लॉ, आप कर लीजिए अमेंड फंडामेंटल राइट को। आप फंडामेंटल राइट को नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर लीजिए, वी डोंट हैव एनी इशू, बट द बेसिक स्ट्रक्चर मस्ट नॉट बी अमेंडेड। आप संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। एंड दैट वॉज द रिप्लाई टू इंदिरा गांधी बाय आर जुडिशरी, एंड दैट वॉज रिटायर्ड हर्ट। सरकार यहां पर रिटायर्ड हर्ट हो गई बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बताया ही नहीं। उसके बाद से आज तक जो सरकार है वो ग्राउंड पर खेलने नहीं जा सकी है फंडामेंटल राइट के इशू पर, बिकॉज फंडामेंटल राइट में अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट बोल देती है ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट अमेंड दैट। या इसके अलावा कई और सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देती है और सरकार के उस कानून को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती है। तो इस तरीके से केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे गेम को अपने पाले में ले लिया। सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। सरकार नए नए कानून बना रही थी तब कि वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करेंगे, वो संविधान के अन्य हिस्से में अमेंडमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कर लो, जहां जो अमेंडमेंट करना है कर लो, बेसिक स्ट्रक्चर मत छेड़ना। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन इंट्रोड्यूस किया, बहुत ही फेमस आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। तो सरकार ने पूछा, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि हम सब अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते, तो बताइए बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, संविधान का आधारभूत ढांचा है क्या, ताकि जब हम अमेंड करने लगे तो हम उसे ना छुए, हम उसे बचा के निकले, उसका ध्यान रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आओ कभी हवेली पे, बताते हैं क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। आसपास के गांव के लोगों का ये मानना है कि उसके बाद से सरकार कई बार हवेली पर जा चुकी है। जिन लोगों ने सरकार को हवेली पर आते जाते देखा वो इसका जिक्र करते हैं कि सरकार उसके बाद कई बार हवेली पर गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन 1973 से लेकर आज 2019 तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं बताया कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। सरकार कहती है ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे, जब कोई केस आएगा तो बता देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, अभी आप करो आपको जो करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अपने हाथ में रखी हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है ये नहीं पता, लेकिन कई सारे केसेस के जरिए कुछ चीज़ें निकल के आई हैं जिन्हें हम मान लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्या क्या उन्होंने बोला है अभी तक कि बेसिक स्ट्रक्चर है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है हमारा, सेकुलर स्ट्रक्चर, इसे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था। सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल कैरेक्टर, वेलफेयर स्टेट बनाने का मैंडेट, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, यूनिटी ऑफ द कंट्री, एसेंशियल फीचर जो इंडिविजुअल फ्रीडम को इंश्योर करते हैं, और वेलफेयर स्टेट का मैंडेट दोबारा लिखा हुआ है। ये सारे जो प्रावधान हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर चुकी है। तो आपने देखा कि फंडामेंटल राइट को लेकर जो लड़ाई चली
उसमें अंतिम रूप में जीत किसकी हुई, हमारे सुप्रीम कोर्ट की। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे फंडामेंटल राइट सुरक्षित हैं बिकॉज अब इसकी रखवाली हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब कुछ डॉक्ट्रीन्स के बारे में आपको बता देता हूँ। डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या बोलता है? सेवरल मतलब अलग अलग कर देना चीज़ों को। इसमें ये बोला गया, जैसे जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये बातें आती हैं, कोई भी कानून अगर हमारे संविधान के हिसाब से ठीक ठाक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन क्या पूरा का पूरा कानून ही नल एंड वाइड कर दिया जाएगा? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर कोई ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट को सही तरीके से फॉलो नहीं करता या उसे इन्फ्रिंज करता है, तो वो पूरा का पूरा कानून हम नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। सपोज करिए ये है लॉ ए, इसके क्लॉज 1, 2, 3 और 4 है, तो इसमें जो क्लॉज 3 और 4 हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि ये लॉ ए पूरा का पूरा नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम पूरा कानून नल एंड वाइड नहीं करेंगे, कानून का केवल वो हिस्सा ही नल एंड वाइड करेंगे जो कि संविधान के हिसाब से नहीं है, मतलब 3 और 4 इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या फंडामेंटल राइट के साथ, तो हम इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देंगे। तो हम इस हिस्से को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देंगे और जो बाकी का हिस्सा है वो लीगल रहेगा, मतलब 1 और 2 लीगल रहेगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्लियर हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है? एक्लिप्स का मतलब आप लोग समझते हैं ग्रहण। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई कानून जो है जो आज़ादी के पहले हुआ करता था, हमें आज़ादी मिली, हमने नए कानून बनाए, तो नए कानून बनाने के बाद आज़ादी के पहले का कानून ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि जो हमारा नया कानून है वो आज़ादी के पहले के उस कानून के ऊपर ग्रहण लगा लेगा, मतलब उस कानून के ऊपर ये नया कानून आ जाएगा, वो पीछे छुप जाएगा, अब ये एप्लीकेबल है। भविष्य में अगर सरकार ने इस कानून को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो पीछे जो कानून छुपा हुआ है वो निकल के आ जाएगा। ये कानून, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, वो आज नए कानूनों पे भी लागू होता है। सरकार ने एक कानून पहले बनाया था 1960 में, मान लीजिए सरकार ने 2019 में एक नया कानून बनाया उस पुराने कानून को उलटते हुए, तो वो कानून ख़त्म नहीं हो जाएगा जो 1960 वाला था, बल्कि वो पीछे छुप जाएगा और 2000 कानून जो 19 में बनाया गया था, 2019 में जो कानून बनाया गया था वो उसके ऊपर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 2025 में सरकार का मन बदलता है, उन्होंने 2019 के कानून को नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया, खारिज कर दिया, तो 1960 वाला कानून फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा। वो छिपा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, नया कानून बनने के बाद पुराना वाला कानून खत्म नहीं होगा बल्कि छिप जाएगा। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये दोनों डॉक्ट्रिन याद रखिएगा, मेंस में आपको जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करिएगा, मेंस में ही इस्तेमाल होता है। प्रीलिम्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकती है, आपसे पूछ सकती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, जानते रहिए आप लोग, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर स्टेट क्या है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्टेट क्या होता है? स्टेट कोई एक ऐसी बॉडी है जिसे किसी कानून या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बनाई गई हो, या उसे स्टेट फाइनेंस करता हो, या वो स्टेट के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता हो डेवलपमेंट के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, जैसे कि पीएसयू या पीएससी। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएससी का मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। या कोई ऐसी बॉडी जो सरकार के सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करती हो, इस आधार पर उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? स्टेट कहा जाएगा। तो स्टेट वो बॉडी होगी जो इन 4 में से किसी भी पैरामीटर को फॉलो करती हो। अब देखिए इशू निकल के आया था बीसीसीआई का, आपको याद होगा बीसीसीआई के संबंध में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए, जिसको बीसीसीआई लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया, उन्होंने डायरेक्टिव दिए। तो बीसीसीआई ने ये बोला कि आप हमारे ऊपर ये रेगुलेशंस नहीं लगा सकते, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्यों? उन्होंने बोला कि जो स्टेट की डेफिनेशन आपने बताई है हम उसके हिसाब से स्टेट की डेफिनेशन में आते ही नहीं है, तो आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं, पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा कि आपकी डेफिनेशन के हिसाब से हम सरकार के तहत काम कर रहे हों या उनके किसी कानून के तहत काम करते हों, लेकिन जो बीसीसीआई है वो तो तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत काम करती है, तो इस आधार पे तो जो बीसीसीआई है वो कोर्ट के इंटरवेंशन के दायरे में आनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए कोर्ट का आर्ग्यूमेंट क्या था, कोर्ट ने ये बोला कि देखिए बीसीसीआई में पूरा करप्शन फैला हुआ है पूरी तरीके से, और दूसरा चूंकि बीसीसीआई जिस तरीके से काम करती है उससे लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ गड़बड़ी होती है तो लोगों के सेंटिमेंट प्रभावित होते हैं। इस तरीके से तो वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना, लोग अगर उससे प्रभावित हो रहे हैं मतलब वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, अगर वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो इंटरवीन कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं कि उनके अंदर जो गड़बड़ियां हैं वो उसे कैसे सुधार लें, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट क्या है,
आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है। देखिए आर्टिकल 14 के बाद राइट टू इक्वलिटी स्टार्ट होता है, उसके पहले आर्टिकल 12 और 13, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि स्टेट क्या है, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई। दोनों आर्टिकल हम समझ लेंगे आज के सेशन में। तो आर्टिकल 12 के तहत राज्य की डेफिनेशन में आती है हमारी पार्लियामेंट, सरकार और स्टेट लेजिस्लेचर, सरकार और पार्लियामेंट, लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ जाएंगे, और अदर स्टैचुरी एंड नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज, जिसमें LIC ONGC कंपनीज भी आ जाती हैं। तो ये चार कैटेगरीज में स्टेट को एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ को और अदर स्टैचुरी नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज़ को भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इनका एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है कई तरीके के केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस RC Jain केस में ये बोला कि आखिर लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है। उन्होंने कहा लोकल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जिसका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, जो एक डिफाइंड एरिया में काम करती हो। जैसे एक म्यूनसिपैलिटी का एक डिफाइंड एरिया होता है कि नहीं होता है, एक ग्राम पंचायत का डिफाइंड एरिया होता है, जिसके पास फंड रेज करने का अधिकार हो, इन पंचायतों के पास फंड रेज करने का अधिकार होता है, जिसको ऑटोनॉमी हो कुछ काम करने की, और जिसके पास म्यूनसिपैलिटी जैसे फंक्शंस परफॉर्म करने के अधिकार हों, और वो अधिकार उसे कानून के जरिए दिए गए हों। अगर ये पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं तो किसी भी अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी कहा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, चूंकि आर्टिकल 12 में बहुत एक्सप्लेन किया नहीं गया था, आर्टिकल 12 में सीधा सीधा बोल दिया गया कि लोकल अथॉरिटीज, तो लोकल अथॉरिटीज़ को यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज RC Jain केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया। अब अदर अथॉरिटीज़ को भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी, तो अदर अथॉरिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने RD Sethi वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि अदर अथॉरिटीज़ वो अथॉरिटीज़ हैं जिनमें पूरा शेयर, जो कैपिटल शेयर है वो स्टेट ओन और मैनेज करता हो। दूसरा, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उस कोऑपरेशन को असिस्ट करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया हो। तीसरा, उसका जो फंक्शनल कैरेक्टर हो वो इन एसेंस सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता हो। चौथा, उस पर स्टेट का कंट्रोल हो। पाँचवा, उस पर सरकार की अथॉरिटी लगती हो। अगर ये पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो किसी भी अथॉरिटी को अदर अथॉरिटी माना जाएगा। अदर अथॉरिटीज़ में एक्चुअली में कंपनीज आती हैं, तो आप अगर इंडिकेशन समझेंगे तो सारी बातें कंपनीज़ के लिए की जा रही हैं कि कैपिटल सरकार के पास हो, सरकार गवर्नमेंट उसे मैनेज करती हो, इसेंस में फंक्शन सरकार मेंटेन करती हो, स्टेट का कंट्रोल हो, उसकी अथॉरिटी हो। ठीक है, ये सारी बातें अगर होती हैं तो उसे अदर अथॉरिटी में इवेल्युएट कर लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेज शांताबाई केस 1951 में आया था। इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, इजस्डन जेनरिस, ये एक टर्म था जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट इज द टर्म, यहां पर है, हाईलाइट करता हूं। ठीक है, जिसमें ये बोला गया था, डिफाइन किया गया था कि स्टेट का मतलब क्या होगा। कोई भी ऐसी बॉडी जो स्टेट के फंक्शंस को परफॉर्म करे वो स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगी। हालांकि उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को लगभग दरकिनार कर दिया गया, लोग फॉलो नहीं करते कि स्टेट का फंक्शन अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो स्टेट माना जाएगा, अब नहीं मानते हैं। लेकिन 1951 के केस में ऐसा कुछ बोला गया था, ये आप जानते रहो। ठीक है, इजस्डन जेनरिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं भूले भटके आ जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना, कहीं आपको लगे फायदे में इस्तेमाल हो जाएगा तो कर लेना। अब देखिए, फंडामेंटल राइट के बारे में ये बात बताई गई है कि जो फंडामेंटल राइट हैं, एक्शन ऑफ द स्टेट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जाता है तो। अभी जो चैलेंज किया जाता है वो आर्टिकल 13 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जो फंडामेंटल राइट को डेरोगेट कर रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट वॉइड डिक्लेयर करेगी, और यही जुडिशियल रिव्यू के डॉक्ट्रिन का ओरिजिन है। जुडिशियल रिव्यू के तहत सरकार के पास, हमारे जुडिशियल के पास ये अधिकार होता है कि वो सरकार के जो डिसीजंस हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, या फिर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए कानून बनाया जाता है, अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू का ये अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द कहीं मेंशन नहीं किया गया। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कौन सा वर्ड मेंशन किया गया है, कौन सा मेंशन किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, हमने बात करी थी ना। तो जुडिशियल रिव्यू जो शब्द है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है एक तरीके की प्रोसीडिंग है जहाँ पर जो जजेस होते हैं वो किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के डिसीजंस को या पब्लिक बॉडी के डिसीजंस को ये देखते हैं कि क्या वो सही तरीके से फॉलो किया गया है, नहीं किया गया है, वो लॉफुलनेस को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। जुडिशरी रिव्यू करती है एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को या फिर लेजिस्लेटिव लॉज को, और अगर वो सही साबित नहीं होते हैं तो उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है।
इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। ये सारी बातें आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 13 का जो इशू था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं जा रहे हैं। आर्टिकल 13 में कौन कौन से बदलाव किए गए, क्या विवाद हुआ, वो हमने अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट में डिक्लेयर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। किसने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया था फंडामेंटल राइट का कराची सेशन में, कांग्रेस में 1931 में, बताया था मैंने शुरू में आपको, भूले तो नहीं है ना आप लोग, 2005 का एक क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है किसके तहत, 1995 का क्वेश्चन है। देखिए पहले यूपीएससी कितने अच्छे क्वेश्चन पूछती थी, ब्रैकेट में आर्टिकल 15 उन्होंने लिख दिया और तब वो आपसे पूछ रहे हैं, इतना आसान वो पूछते ही नहीं है। तो राइट टू इक्वलिटी में आएगा, आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है कि नहीं है, इतना तो आपको पता ही है, तो ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन, एक ब्रिटिश सिटीजन इंडिया में रह रहा है वो कौन सा राइट क्लेम नहीं कर सकता, कौन सा राइट क्लेम नहीं कर सकता, 1999 का एक क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा था। याद करिए मैंने आपको बताया था कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल इंडियंस को अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। याद करिए क्या बताया था, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल इंडियंस को हैं। अगर ये केवल इंडियंस को हैं तो इन्हें कोई ब्रिटिश सिटीजन कैसे क्लेम कर सकता है, तो देख लीजिए इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में आता है ये, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। अब 14, 21 और 25 ये तो फॉरेनर्स को भी है, मतलब ये तो एक ब्रिटिशर क्लेम कर ही सकता है, आर्टिकल 19 क्लेम नहीं कर सकता ना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए इनमें से कौन सा जो राइट है उसे बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स। देखिए इसलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने रख दिया है, मैं रखता रहूंगा, हालांकि क्वेश्चन सारे एड्रेस तभी होंगे जब हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। 2002 का क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को उन्होंने हार्ट एंड सोल बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 में है हम डिस्कस करेंगे। कुछ मेंस का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स क्रिटिकली एग्जामिनेड सिग्निफिकेंस, फंडामेंटल राइट क्या है सिग्निफिकेंस बताइए, जुडिशियल रिव्यू क्या है, क्या आपको लगता है कि इसने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ज्यादा अकाउंटेबल बनाया है, आर्टिकल 21 के एम्बिट में कौन से राइट्स आ जाते हैं। देखिए ये तो जब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तभी आप एड्रेस कर पाओगे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं, फंडामेंटल राइट क्या है, सिग्निफिकेंस बताइए, जुडिशियल रिव्यू क्या है, क्या इसने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया है, ये दोनों क्वेश्चन तो आप हैंडल कर ही सकते हैं ना, ये वाला अगर हम आर्टिकल 21 कर लेंगे फिर आप इसको हैंडल करना। तो ये हमने पूरा सेशन यहाँ पे कवर किया, होपफुली फंडामेंटल राइट का बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए अभी तो हमने आर्टिकल 14 से स्टार्ट भी नहीं किया है, उसके पहले इतनी सारी बातें थी समझने को पढ़ने को, आपने ये सारी बातें समझ ली तो आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम जो भी समझेंगे आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इस सेशन में आज हम यहाँ रुक रहे हैं।